कैसे आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं दे रहा हूँ आज आपको गुड न्यूज। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार गुड न्यूज है आप सभी के लिए। जो युवा डिफेंस में जाना चाहता है, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में जो सिलेक्ट होना चाहता है, उनके लिए बहुत ही बेस्ट खुशखबरी आए हूँ दोस्तों। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा कोई भी सरकारी जॉब से संबंधित वीडियो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंडियन आर्मी अग्निवीर की भर्तियाँ हर एआरओ बीआरओ में आ रही है बहुत बड़ी मात्रा में। तो बहुत बड़ा एक ऑप्शन है आपके पास, आप इंडियन आर्मी में अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती होकर आगे अपने 20 साल 25 साल 30 साल JCO लेफ्टिनेंट ऑर्डनरी कैप्टन तक आप जा सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो आप टेरिटोरियल आर्मी, जिसे हम TA कहते हैं, TA में भी शानदार अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। TA में भी शानदार सैलरी है, शानदार सारी फैसिलिटी एक जैसी है, तो आप TA में भी जा सकते हैं। उसके अलावा बात करें इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में भी अग्निवीर स्कीम के तहत अभी नवंबर दिसंबर में फिर से वेब फॉर्म आने वाले हैं। उसके अगर हम बात करें तो TA की भर्ती अगर आपको देखनी है तो आप जाइए www.territorialarmyopenrally.com पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन से जोन की कहाँ भर्ती है। जैसे महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, गुजरात, दमन और दीव चौथे जोन में आते हैं, उनकी भर्ती कहाँ है। हरियाणा, पंजाब, गुजरात की कहाँ है। उसके अलावा मणिपुर, इम्फाल, त्रिपुरा, अगरतला और आसाम की भर्ती कहाँ है। सारे जोन की भर्ती आप देख सकते हैं और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कौन से जोन की भर्ती का पता करना है। आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, आप अपने फिजिकल को फिट रखिएगा। 1600 मीटर रेस अगर आप 5 मिनट और 20 सेकंड तक करते हैं तो आप 100% टेरिटोरियल आर्मी की रनिंग पास कर देंगे। उसके बाद में आपका फिजिकल होना चाहिए, फिजिकल चेस्ट 85 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। उसके बाद आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। उसके बाद में अगर 9 फीट डिच होना चाहिए, 10 आपकी ऊपर वाली चिन अप बोलते हैं बीम, वो मारनी आपको आनी चाहिए। उसके बाद में आपका मेडिकल होता है, आंखें 6x6 होनी चाहिए, कांत नाक दांत फिट रहना चाहिए। उसके बाद में आपका रिटर्न टेस्ट होता है, रिटर्न के बाद में निकलती है आपकी फाइनल मेरिट और आपके हाथ में होता है ज्वाइनिंग लॉटर। जय हिंद, जय भारत।